ओम शांति। लगभग 200 वर्ष पूर्व जापान में एक ऐसा योगी रहता था जो नित कहता था, जागो, नींद को त्यागो, जागो। वहां के सम्राट ने उस योगी की ख्याति सुनी और उसे राजभवन बुलाया, कहा कि हमने आपके विषय में बहुत सुना है और हम चाहते हैं कि हमारा राजकुमार आपके प्रशिक्षण में जीवन की कुछ बातें सीखे, तो आप उसे यहीं रहकर कुछ बातें सिखाओ। वो योगी कहता है, अगर राजकुमार को कुछ सीखना है तो उसे मेरे पास आना होगा, मैं यहां नहीं आऊंगा और मैं उसे अपने ढंग से सिखाऊंगा जैसे मैं चाहूं। और इसमें कितना भी समय लग सकता है ये निर्भर करता है उसकी प्रतिभा पर, 1 साल, 2 साल या और अधिक। और जो मैं कहूंगा उसे करना होगा, और बीच से वो छोड़कर नहीं आ सकता। अगर ये शर्त मंजूर है तो ही मैं सिखाऊंगा। वो राजा मान जाता है, वो राजकुमार उस योगी के आश्रम में पहुंचता है। आश्रम बहुत छोटा है, एक छोटी सी कुटिया। आते ही वो योगी उस राजकुमार से कहता है कि मैं तुम्हें जो कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। सभा में उपस्थित सभी ये सोचे कि वो राजकुमार मैं हूं और आगे बढ़े। अब उस योगी ने कहा कि अगले 1 पहला पाठ, तुम्हारा पहला पाठ ये होगा कि तुम्हें अपने आप को बचाना है। नकली लकड़ी की तलवार से मैं तुम पर वार करूंगा और मैं कभी भी वार कर सकता हूं। तुम खाना खा रहे हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो, आश्रम की कोई सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी समय मैं आकर वार करूंगा। वो राजकुमार घबरा जाता है। वो कहता है, मैं यहां तलवार सीखने नहीं आया हूं, मैं जीवन के पाठ सीखने आया हूं। वो योगी कहता है, यही मेरा ढंग है, अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ये करना पड़ेगा। अगले 1 हफ्ता तक वो राजकुमार इतनी मार खाता है, वो लकड़ी की तलवार बार बार चलती है। वो कुछ काम कर रहा है, पीछे से वो योगी आता है और जोर से उसे मारता है, हड्डी पसलियां उसकी दुखने लगती है। पर धीरे धीरे वो जागृत रहने लगता है।
कुछ भी करते समय उसे ख्याल है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, एक ढाल वो रख लेता है अपने पास। जो भी कार्य कर रहा है मन के किसी कोने में एक जागृति आई है, निरंतर जगा हुआ है, निरंतर जागा हुआ है कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। और धीरे 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 3 मास हो जाते हैं और फिर एक भी वार उसे नहीं लगता है, क्योंकि अब वो हमेशा जागा हुआ है, हमेशा उसे पता है कि किसी भी समय वार हो सकता है और वो अपने आप को बचा लेता है। गुरु आते हैं, कहते हैं तुम्हारा एक पाठ, पहला पाठ आज पूरा हुआ, अब दूसरा पाठ। राजकुमार कहता है अब दूसरा भी है क्या? वो कहता है हाँ दूसरा पाठ, अब मैं तुम्हें नींद में आक्रमण करूंगा तुम पर, जब तुम सोए हुए होंगे तब आक्रमण करूंगा। राजकुमार कहता है सोए हुए, मुझे कैसे पता चलेगा तुम आ रहे हो, आप आ रहे हो? वो कहता है, योगी कहता है तुम्हें पता करना होगा। वो जैसे ही सोने जाता है, जैसे ही नींद लगती है आक्रमण होता है। 1 हफ्ते तक बहुत बुरी हालत होती है, परंतु धीरे धीरे वो सोते समय भी जागृत है, धीरे धीरे सोते समय भी मन के किसी कोने में एक जागरण उत्पन्न हुआ है। उसे पता है, वो आवाज आती है चलने की, वो ध्वनि उसे सुनाई देने लगती है, सो रहा है परंतु फिर भी जाग रहा है, सोते सोते भी जागृत है। एक अद्भुत सा केंद्र उत्पन्न हुआ है हृदय में, अब तक सोच थी परंतु जब जागरण था तब सोच समाप्त हुई, केवल जागरण। और पता है कभी भी किसी वक्त आक्रमण हो सकता है, और पहले 1 हफ्ता तो बहुत बार होता है, परंतु धीरे 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 वो जागा हुआ ही है जैसे सोते हुए भी। और फिर एक ऐसा समय आता है कि जब जब आक्रमण होता है वो अपने आप को बचा लेता है। गुरु कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा पाठ 3 मास हो गए पूरा हुआ, अब तीसरा पाठ। वो कहता है तीसरा अब क्या है? वो योगी कहता है अब मैं असली तलवार का प्रयोग करूंगा और तुम्हें अपने आप को बचाना है। सारे दिन भर असली तलवार, जरा सी भूल हुई, जरा सी लापरवाही, जरा सी बेहोशी और मृत्यु। अब तो एक पल का भी उसे किसी भी तरह की बेहोशी नहीं, इतना जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया है कि अगले 3 मास तक एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि उसे कोई चोट लगी। वो अपने आप को बचा ही लेता है, क्योंकि प्रतिपल नित वो जागृत है। जैसे मन में सारे कोने जागृत हो गए हैं अवचेतन मन के, ऐसा कोई समय है ही नहीं कि वो सोया हुआ है, ऐसा कोई पल ही नहीं है कि वो बेहोश है। ऐसा जागरण का केंद्र उत्पन्न हुआ है और जहां जागृति है वहां विचार नहीं, विचार जैसे शून्य हो गए और केवल जागरण है। 3 मास पूरे हो जाते हैं, 9 मास हो गए। गुरु बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम उत्तीर्ण हुए, कल तुम्हें वापस जाना है, तुमने बहुत अच्छा किया। और जब वो दिन आता है उसके घर जाने का, वो राजकुमार सोचता है ये बूढ़ा फकीर मेरी 9 मास से परीक्षा ले रहा है, अब मैं ये भी तो देखूं कि ये खुद कितना जागृत है। वो बूढ़ा फकीर झाड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये सोचता है मैं इस पर आक्रमण करके देखता हूं। वो यहां है, ये युवक राजकुमार बहुत पीछे है, और जैसे ही ये सोचता है कि मैं इसकी परीक्षा लूं, वो बूढ़ा पीछे मुड़ता है और कहता है बेटा ऐसा सोचना भी मत, मैं बहुत बूढ़ा हूं अभी।
वो पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ये सोचा, मैंने तो कहा ही नहीं। वो बूढ़ा फकीर कहता है, मैं इस कदर जागृत हूं कि दूसरों के मन के सूक्ष्म भाव भी अब मुझे पता चलने लगे। जागरण इतना बढ़ गया है, अवेकनिंग इतनी ज्यादा हो गई है, अलर्टनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सावधानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ऐसा कोई पल है ही नहीं कि मैं कोई गलती कर दूं, कोई बेहोशी का कर्म कर दूं, दूसरे जो सोचते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है। ऐसा जागरण। वो युवक नतमस्तक होता है और वहां से चला जाता है। जब जागरण होता है, मन का हर कोना जागृत हो जाता है और जो गलतियां मनुष्य से होती है वो बेहोशी में होती है, और जहां जागरण है वहां गलतियां नहीं। क्या हम जागे हुए हैं? महर्षि अरविंद ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, अब तक मैं समझता था कि मैं होश में हूं, परंतु वो बेहोशी थी। अब तक मैं जिसे ज्ञान समझता था वो अज्ञान था। अब तक मैं अपने आप को जागा हुआ समझता था, पर मैं सोया हुआ था। हर एक को अपने आप से प्रश्न पूछना है, इस ब्राह्मण जीवन में हम बेहोशी में चल रहे हैं या जागरण की अवस्था में चल रहे हैं? यदि गलतियां हो रही है, यदि पश्चाताप का भाव है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, अर्थात जागरण नहीं। अभी अभी मुरली चली यहीं पर, एक धर्म एक राज, सुख शांति और संपत्ति, यहां पर एक पल भी यदि दुख का है तो यही संस्कार वहां जाएंगे। हमारा सुख किसी भी विनाशी पदार्थ के अधीन नहीं है, नाम मान शान। हमारी शांति यहाँ के शांति के अधीन नहीं है, अशांत सर्कमस्टांस, अशांत वायुमंडल में भी शांत कमल समान। समृद्धि संपत्ति ज्ञान, ज्ञान अर्थात केवल भाषण देना नहीं, ज्ञान अर्थात केवल कोर्स कराना नहीं, परंतु ज्ञान अर्थात समझ। शक्तियां, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, किसी का भी कमजोर संस्कार मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। एक धर्म संपूर्ण पवित्रता, एक राज्य माया का राज्य नहीं। ये प्रारब्ध अब पानी है, तब नहीं, इस प्रारब्ध का अब अनुभव करना है। स्वयं की चेकिंग स्वयं करो, स्वयं के चेकर स्वयं बनो, तो संपूर्ण जागरण जब होगा तब स्वतः ही पता लगने लगेगा कहाँ क्या होने वाला है, और हम अपने आप को संभाल लेंगे, और जो दुर्घटना घटने वाली थी वो नहीं घटेगी, क्योंकि ये मार्ग हादसों का मार्ग है, क्योंकि ये मार्ग दुर्घटनाओं का मार्ग है, कठिन है, इतना आसान नहीं। हजारों निकलते हैं, कोई एक पहुंचता है, ऐसा ये मार्ग है, इसलिए सावधान, इसलिए अटेंशन प्लीज। खुद ही को जगाना है, जैसे वो राजकुमार जागृत हो गया हमेशा के लिए, सोते हुए भी जागरण की अवस्था में है, ऐसी जागृति हमारे अंदर आ जाए, आध्यात्मिक चेतना संपूर्ण जागृत हो जाए, जो एक पल भी देहभान का ना हो, निरंतर आत्मिक आनंद में। आत्मिक आनंद से भरा बड़ा इस संसार में कोई आनंद नहीं, तो बहुत खतरे हैं।
वो कौन कौन से हैं और हमें क्या क्या करना है, आज की इस क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे। और कैसे निरंतर जागरण अवस्था, जागृत अवस्था में रहे ताकि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, विकर्म, दुष्कर्म, गलतियां, उसका पश्चाताप बहुत गहरा होता है और वो पश्चाताप ही फिर आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मुझे एक ऐसी बात बताओ अध्यात्म की जो सारों का निचोड़ है, सारे शास्त्र संपूर्ण अध्यात्म का एक निचोड़ है, वो एक बात बताओ। गुरु एक कलम लेते हैं और लिखते हैं एक शब्द, अटेंशन। शिष्य कहते बस इतना ही, मुझे और कुछ बताओ। गुरु लिखते हैं नीचे अटेंशन। वो कहता है अटेंशन मुझे पता है, मुझे और कुछ बताओ। गुरु तीसरा शब्द लिखते हैं अटेंशन। वो पूछता है अटेंशन तो मुझे पता है, पर अटेंशन का अर्थ क्या है वो बताओ। वो लिखता है अटेंशन अर्थात अटेंशन। यही सार है, निरंतर अटेंटिव, निरंतर सावधान, क्योंकि आगे बहुत खतरा है। तो वो कौन कौन से खतरे हैं इस मार्ग पर? है तो बहुत सारे, 10 की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहली आग, साइन बोर्ड लगा हुआ है, सावधान आगे खतरा है। सबसे पहला खतरा है ब्राह्मण जीवन का आग। कौन सी आग? काम की आग। फैमिलियरिटी के रास्ते पर जो चल रहे हैं, धीरे धीरे काम की आग का उन्हें सामना करना पड़ेगा। इस परिवार में जिन्होंने आपसी अत्यधिक घनिष्ठता के और मैत्री के संबंध स्थापित कर लिए हैं, और जहां पर गुह्य भाष्य चल रहा है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, मिलना चल रहा है, एक दूसरे को मिस करना चल रहा है, फैमिलियरिटी का ये मार्ग धीरे धीरे काम की आग की तरफ ले जाएगा। और व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। लास्ट संडे की मुरली थी, नशा छा जाता है, व्यक्ति होता है नाली में और सोचता है कहाँ हूं, महल में, होता कुछ नहीं और सोचता है मैंने सब कुछ पा लिया, ये एक झूठा सा नशा चढ़ जाता है। मुरलियों में आता है काम का सेमी नशा। एक योगी इतना तपस्वी था, इतना तपस्वी था कि धीरे धीरे उसे एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि वो आकाश में उड़ने लगा। वो रहना गुप्त चाहता था, परंतु लोगों ने उसे देख लिया, और ऐसी बातें गुप्त नहीं रहती है, सब जगह ये बात फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे, कहने लगे हमें भी करके दिखाओ कैसे उड़ते हो तुम। वो परेशान हो गया, कहीं दूर चला गया, पर राजा तक खबर पहुंच गई। राजा ने उसे बुलाया, तब तो उसे आना पड़ा। राजा ने उसे एक प्रलोभन दिया कि तुम हमारे ही राज्य में रहो, हमारे ही राजमहल में, तुम्हें यहीं पर झोपड़ी बना दी जाएगी, उपवन में सारी साधनाएं करो, परंतु मुझे तुम जैसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जब भी कोई समस्या हो तो मैं कहां जाऊं, आप जैसे योगी अगर मिल जाए मुझे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, कृपया आप यहां आ जाओ। और वो वहां आ जाता है, उसकी इच्छा नहीं है, वो इन संसारिक सुखों से दूर रहना चाहता है, परंतु उसे स्थान ही ऐसा दिया जाता है जहां पर जंगल सा एकांत और शांति है, और दिखाया है। राजा उसे कहता है मुझे भी एक बार उड़ के दिखाओ, तो वो उड़ के दिखाता है। उसे भोजन
देने के लिए राजा एक बार अपनी कन्या को भेजता है और वो उड़ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है और अचानक उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है और जैसे ही उसे देखता है क्रैश लैंडिंग, धड़ाम से गिरता है। अ मोमेंट ऑफ लस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पावर्स, एक पल का वो काम और उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो जाती है, इतना वो सूक्ष्म है। एक पल शरीर पर नजर पड़ी और ब्रह्मचर्य से अर्जित की हुई सारी शक्तियां, सारा बल एक सेकंड में नष्ट। आग की तुलना है काम की। हमारा जीवन संपूर्ण पवित्रता का जीवन है। अभी अभी मुरली चली, बाबा ने कहा एक धर्म, कौन सा वो धर्म है, कौन सा धर्म है, संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। यहां होगा तो वहां एक धर्म होगा, संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्माचारी, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प बोल कर्म और स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। क्या आप, हमारी पवित्रता इतनी है, इतनी अखंड, इतनी प्रचंड, इतनी मजबूत कि संसार की कोई भी बात, कोई भी दृश्य, कोई भी व्यक्ति इस पवित्रता को नष्ट ना कर सके। बाबा ने कहा है प्यूरिटी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जायदाद, इसे संभाल के रखो। कुमार कुमारियों से मुलाकात है कई मुरलियों में, कुमारों की और कुमारियों की सबसे बड़ी संपत्ति है पवित्रता। सब कुछ खो दो पर इसे नहीं खोना, क्योंकि यही सारी संपत्ति का आधार है। तो जो भी मधुबन में आए हैं और जिनकी प्यूरिटी में हलचल चालू है और जिनका ब्रह्मचर्य डोलते रहता है, यहीं सर, यहीं पर, इसी भूमि में प्रतिज्ञा करके जानी है। जरा भी अपवित्रता ना हो। बाबा को वो बच्चे बहुत प्रिय है, बहुत शुद्ध जो है, जिनके मन में बहुत शुद्धि है, बहुत ज्यादा पवित्रता है, जिनके संकल्प, जिनकी वाणी में प्यूरिटी के प्रकंपन है। तो सावधान, अत्यधिक फैमिलियरिटी विनाश की ओर ले जाएगी। जितना हो सके इस ब्राह्मण परिवार में सबका प्यारा तो बनना है, परंतु प्यारे बनने की विधि है न्यारापन। हजारों से मिलो, हजारों के संपर्क में आओ, परंतु डिटैच्ड। किसी को विशेष भाई और किसी को विशेष बहन बनाना, फोन पर लंबी लंबी बातें, टू मच डिजिटल कॉन्टैक्ट, धीरे धीरे फ्रेंडशिप डेवलप कराएगी। फिर हर बात उस व्यक्ति से शेयर करनी है, हर बात उसे बतानी है, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, और जब वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा फिर। और भगवान से आत्मा स्वतः ही दूर चली जाएगी। यहां तो बाबा कितनी सूक्ष्म बातें बता रहा है, नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, भावनाओं की भाषा, ये रूहानी अलौकिक जीवन की भाषा है। ये भाषाएं कब सीखेंगे, क्योंकि बुद्धि तो देहधारी में अटकी हुई है। सभी देहधारियों से प्रेम तो है, परंतु सच्चा प्यार एक से है। तो ही हमारी वाणी में शक्ति आएगी, तो ही हमारे संकल्प सिद्ध होंगे, क्योंकि बुद्धि एक रस है
और जब भी किसी व्यक्ति में बुद्धि अटकी हुई है तो हलचल में है, एकाग्र नहीं हो सकती। मुरली पढ़ने के लिए, मुरली याद रखने के लिए, मुरली को समझने के लिए सबसे ज्यादा एक वस्तु की आवश्यकता है, और वो है संपूर्ण एकाग्रता। जिसकी एकाग्रता जितनी अधिक, वो उतना अधिक ग्रहण कर सकता है। अगर बुद्धि ही डिवाइडेड है, स्कैटर्ड है, तो कैसे ज्ञान का अर्जन होगा? और जहां ज्ञान नहीं वहां अंधकार है, जहां अंधकार है वहां दुख है। स्पिरिचुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? देख कैसे सकेगी मुरली, बुद्धि, ये सत्य क्या, असत्य क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, सार क्या, असार क्या? जो असार है उसी को सार समझेगी, जो झूठ है उसी को सत्य समझेगी। सबसे पहला खतरा है ये आंख काम। इसलिए अपने आप को जगाना है। जैसे वो राजकुमार जाग गया था, निरंतर जागृत है, एक पल भी बेहोशी का नहीं, एक पल भी नहीं, सोते हुए भी जागृत है। कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी वार हो सकता है, माया का साम्राज्य है। बड़े बड़े योगी माया के अधीन हो गए। दूसरा खतरा, इस खतरे से बचने के लिए क्या जरूरी है? प्रतिज्ञा। यज्ञ में किताब है, सभी कुमार जो बैठे हैं, भाई जगदीश भाई जी की लिखी हुई ब्रह्मचर्य, उसे पढ़े जरूर। अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों का संकलन है संपूर्ण पवित्रता, ये दूसरी किताब। इन दो किताबों का अध्ययन करना है सभी को, ताकि बाबा ने पवित्रता के लिए आज तक जो कुछ कहा, ऐसा कुछ ना हो जो हमें पता ना हो और जिस पर हमने चिंतन ना किया हो। दूसरा खतरा बारिश। पुराने संस्कारों की या पुरानी यादों की बारिश, अचानक से वो बारिश आ जाती है, अचानक से वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और हम गिर पड़ते हैं। छोड़ चुके थे वो सब कुछ, पर अचानक पुराने बात यदि याद आ गई तो वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाते हैं। पुराना कोई भोगा हुआ भोग, पुरानी कोई दोस्ती, पुराना कोई कमजोर संस्कार आज यदि याद आ जाए तो आत्मा फिर से उसी स्थिति में स्थित हो जाती है और कमजोर बन जाती है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी मुरली नंबर 2, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाबा ये मुश्किल है, पुराने संस्कार है हमारे, क्या करें? बाबा ने 4 उत्तर दिए हैं। पहला, ये तुम्हारा जन्म कौन सा है? मरजीवा जन्म। तो पुरानी बातें कैसे याद आ रही है? वो तो मर चुका है, वहां पर शरीर जला देते हैं, यहां पर क्या तुमने नहीं जलाया है? पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव और पुरानी स्मृतियां, ये सबसे पहला उत्तर है बाबा का आज की वाणी से। नया जन्म, जीवंत मृत्यु का ये जीवन है। पुराना सब कुछ खत्म हो गया है, आत्मा ने इसी शरीर में नया जन्म लिया है। वो शूद्र जन्म था, वो विकारी जन्म था, अब नया जन्म है, संपूर्ण पवित्रता का ये जन्म है। इसमें वहां की कोई भी बात, कोई भी याद रिजेक्ट कर दो उसको, ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर था, यदि संसार में कोई मर गया हो और वो जिंदा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? भूत। ये है माया के भूत। अगर वो संस्कार जो मर चुका था वापस लौट कर आ गया, अर्थात वो माया के भूत। और भूतों को कोई अपने घर पे नहीं रखता है, क्या करता है? उसको भगाता है। अगर कोई संस्कार इमर्ज हो रहा है जो बचपन का है, जो अज्ञान काल का है, या इसी ब्राह्मण जीवन में बेहोशी की अवस्था का है, रिजेक्टेड, हटा दो उसको। तीसरा उत्तर, ये कहना कि ये हमारे पुराने संस्कार है, बाबा ने कहा, ये स्वयं को धोखा देना है। ये कहना कि ये मेरा नेचर है, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? हम तो ऐसे ही बोलते हैं जोर से, हम तो ऐसे ही डांटते हैं, हम तो ऐसा ही क्रोध करते हैं, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं? हमको तो ऐसे ही रोना आता है बार बार छोटी छोटी बातों में। बाबा ने कहा सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा दे रहे हो।
और चौथा उत्तर था बाबा का, अच्छा तो तुम्हें पुराने से बहुत प्यार है, तो सबसे पुराना क्या है, अनादिकाल के संस्कार, वो इमर्ज करो, ये तो मध्य के है, और मध्य को क्या कहा जाता है, बीच, और बीच भंवर में क्या है, परेशानी। ये हमारे संस्कार ही नहीं है, ये रावण के संस्कार है, रिजेक्ट कर दो उसको, ये कहो ही नहीं कि ये मेरा स्वभाव बन गया है, रोने का, रूठने का, रूसने का, दुखी होने का, परेशान होने का, चिंता करते रहने का। बाबा ने कहा बच्चा बन जाओ, सात बातें गिनाई है सुबह की वाणी में, अगर बच्चे बन गए तो क्या होगा, बच्चा अर्थात पहला मालिक बन जाओगे, दूसरा बच्चे बन गए तो बेफिक्र बादशाह बन जाओगे, तीसरा निरंकारी और निराकारी का अनुभव करोगे, हद का जो भी है वो परिवर्तित हो जाएगा, चौथा पांचवा मास्टर नॉलेजफुल, इस एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है बच्चा, छठवा माया से बच जाओगे, और सातवा बोझ कम हो जाएगा, बोझ है मैं और मेरे का, शरीर को भी अमानत समझोगे, बच्चा बन जाओ। सुबह की अव्यक्त वाणी मुरली नंबर दो। तो पहले तो ये लिस्ट बनानी है कि मेरा वो ऐसा कौन सा सूक्ष्म संस्कार है जो अब भी प्रकट होता है, और जैसे ही वो प्रकट होता है मेरी सारी स्थिति धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो याद आते ही मन में हलचल होने लगती है, ऐसी वो कौन सी स्मृतियां हैं, कौन सी आदतें, कौन से एडिक्शन, कौन सी हैबिट जो मुझे नीचे गिराती है, उसको पहले लिखना है, देखना है, और अमृत वेला फिर से उन्हें देखना है, आंखें मिलाना है उनके साथ कि ये इतनी शक्तिशाली क्यों है, क्या है इस बात में, इस आदत में, इस एडिक्शन में, इस हैबिट में, इस संस्कार में, इस स्वभाव में, जो मेरे जैसे योगी को गिरा देती है। बाबा ने कहा स्वयं के चेकर खुद बनो, स्वयं की चेकिंग खुद ही करो, कोई दूसरा कब तक हमारी चेकिंग करेगा और कब तक हमें समझाएगा बताएगा, हमें खुद ही को खुद देखना है, और हमसे अधिक हमें कौन देख सकता है, क्योंकि जब ये बारिश होती है तो सब कुछ बह जाता है, वो जो ज्ञान और योग के गांव खड़े कर रखे थे, घर खड़े कर रखे थे, ये ऐसी बारिश आती है कि सब कुछ डुबा देती है। इसीलिए अपने उस एक संस्कार पर काम करना है जिस पर सब कुछ करने के बाद भी वो अब भी विद्यमान है, सब कुछ कर लिया, ज्ञान योग सारा लगा दिया, पर वो संस्कार अब भी है, जा नहीं रहा है, वो हो सकता है किसी में मोह है, इतना गहरा मोह कि उस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकते, उसे कुछ होता है तो यहां कुछ होता है, ज्ञान के दर्पण में देखना है क्या ये मोह बाबा को स्वीकार है, अपने आप को बाबा के सामने खड़े करना है और बाबा से कहना है बाबा मेरा इस व्यक्ति के साथ जो संबंध है क्या तुम्हें स्वीकार है, और बाबा को वही संबंध स्वीकार है जिसमें आत्मिक प्रेम है, जो मोह वाले संबंध है बाबा उसे रिजेक्ट कर देगा। तीसरा लाइटनिंग बिजली, तीसरा खतरा है इस मार्ग में अचानक जो बिजली गिरती है, और बिजली अर्थात बुरी खबर, बैड न्यूज, हम यहां बैठे अचानक घर से फोन आ गया, स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी, अचानक जो हमारा अपना था, हम जिसको अपना कहते थे, उसे कोई बीमारी हो गई, अचानक उसे कुछ हो गया, तो क्या हम हिल जाएंगे, अचानक न्यूज आ जाए
कि हमारी सारी संपत्ति जो हमने जमा कर रखी थी एक धक से खत्म हो गई। क्या अवस्था होगी। हमें याद है जब हम मुंबई में थे, वहां पर एक डॉक्टर युगल है, उनका एक ही बेटा था, लंदन भेजा डेंटल की पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बन गया डेंटल का। सुबह उसने फोन किया कि पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूँ, बहुत खुश। और दोपहर को फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और ये नहीं कि वो हॉस्पिटल लेके गए, डेथ ऑन द स्पॉट। दोनों माँ बाप शॉक में चले गए, कुछ शब्द ही नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं, जैसे डेड हो गई पूरी सोच। वो फोन सुनते सुनते ही, ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल लेके गए, सीरियस है, फोन आया ऑन द स्पॉट डेथ। 6 महीने तक दोनों डिप्रेशन में चले गए, माँ बाप एक ही बेटा। ऐसी बहुत सारी बिजलियां गिरेगी, क्या हम तैयार हैं? 3-4 दिन पहले मुरली में था, अभी ये बच्ची यहां बैठी है, ये ट्रेन में चली जाए, इसकी डेथ हो जाए तो बाबा कहेगा ड्रामा। सबने सुनी है मुरली, 3-4 दिन पहले आई थी। मैं इसकी खांसी ठीक करने थोड़ी ना आया, ये इसकी भोगना है, ये इसका हिसाब किताब है, मैं तो पतित से पावन बनाने आया हूं। हर एक को जाना है। क्या हम इतने तैयार हैं इस खतरे के लिए कि कभी भी अचानक से कोई न्यूज आ जाए, हम अचलडोल रहे? वो न्यूज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, अलौकिक जीवन की, लौकिक जीवन की, आर्थिक, जॉब रिलेटेड, कुछ भी। इतनी हमारी मानसिक, आध्यात्मिक, आंतरिक तैयारी है। आज हम यहां हैं, कोई कहे यहां से चले जाओ, यह हमने मोह का विस्तार कर रखा है। अब्दुल कलाम आजाद जब 5 साल प्रेसिडेंट थे और उनकी टेन्योर पूरा हो गया, बस एक बैग थी जाते समय, दैट्स इट। हम होते तो कितनी बैगें होती, मधुबन में कितनी बैग लेके आते और कितनी बैग लेकर जाते हैं, 2 लेकर आते हैं, 4, किसी किसी की 5, किसी किसी की 8। दादी जानकी ने कभी कहा था, विदेशियों से मुलाकात, विदेशियों से बात कर रहे थे क्लास में, कि ऐसा कौन है जो दूसरे देश में जाए और वहां से कोई भी वस्तु खरीद के बिना खरीदे वापस आ जाए। उसको दादी कहेगी, इसमें जरा भी लोभ नहीं है, आंखें डूबती है नई वस्तुओं को देखकर, ये खरीदू वो खरीदू, ये चाहिए वो चाहिए। या तो व्यक्तियों में मोह या तो वस्तुओं में लोभ, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें अपने आप को अंदर से ऐसा मजबूत बना के रखना है, ना यहां की प्रशंसा चाहिए, ना किसी की स्तुति चाहिए। बाबा ने कहा ये सब विनाशी है, अविनाशी का आधार विनाशी नहीं हो सकता। अब भी जो मुरली चली यहां पर, परमात्मा सुख हमारा आधार है, विनाशी सुख नहीं। कोई साधन, कोई सैल्वेशन, इसके आधार पर हमारी स्थिति नहीं है, ना हमारा सुख है। तो तीसरी ये बिजली है जो गिरेगी हर एक पर, इसलिए सावधान, अभी से मन को तैयार करना है, नष्ट मोहा बना के रखना है। सबने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन, 1910, उसने जितनी संशोधन किया था, 1000 आइलैंड पार्क, वो सब कुछ वहां पर न्यू जर्सी में आग लग गई, पूरे प्लांट को आग लग गई, और वो देख रहा है इतने वर्षों की सारी मेहनत, सारा रिसर्च एडिसन का जल रहा है। उसका बेटा भाग कर आता है, कहता है पिताजी ये क्या हो रहा है। पिताजी कहते हैं, लुक,
ऑल आवर मिस्टेक्स आर गेटिंग बर्नड अप, हमने जो जो गलतियां की है ना वो जल रही है। इतनी अचल अडोल स्थिति। और वो कहता है जाओ अपनी माँ को बुला के लाओ, उसने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं होगा। इतना करोड़ों का नुकसान हो रहा है सामने, वो देख रहा है, कर क्या सकते, परंतु दुखी नहीं हुआ। 6 मास के अंदर सब कुछ फिर से खड़ा करके रखा। ये उसके बेटे ने रीडर डाइजेस्ट के 1952 के एडिशन में अपने पिताजी के विषय में ये घटना लिखी। ऐसी बहुत न्यूज आएगी, यहां ये हुआ वहां वो हुआ, जब तक हमारा उनसे कोई संबंध नहीं हम अचल डोल रहते हैं। जैसे ही पता चला हमारा कोई है तो हलचल चालू होती है। एक विदेशी लेखक ने लिखा है, डोंट ब्रिंग मी गुड न्यूज, ब्रिंग मी बैड न्यूज, गुड न्यूज वीकन्स मी, बुरी खबरें लाओ मेरे पास। अच्छी खबरें आती है ना मैं कमजोर होता हूँ, बुरी खबरें लाओ मैं और शक्तिशाली होता हूँ और मजबूत होता हूँ। इसलिए ये खतरा है, सावधान। ये सब कुछ होगा, बाबा ने सब कुछ बता के रखा है, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा। ये तुम्हारे अब के दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं और फिर सुखों के पहाड़ खड़े होंगे। अगला खाई, अगला खतरा है खाई। इस रास्ते में खाई आएगी और वो खाई है विकारों की खाई। एक बार उसमें गिरे कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, 5 अध्याय, चैप्टर नंबर 1। मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मेरा ध्यान नहीं था, मैं गड्ढे में गिर गया। मैं चिल्लाया, मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, और मैं कभी निकल ही नहीं पाया। चैप्टर नंबर 2, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मुझे पता था वहां गड्ढा है पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर गिर गया और जोर से चिल्लाया, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, और मुझे बहुत समय लगा निकलने के लिए। चैप्टर नंबर 3, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, वही गड्ढा था पर मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं फिर गिर गया, और फिर वो चिल्लाया, गलती मेरी है, गलती मेरी है, और मैं बहुत जल्दी निकल गया। चैप्टर नंबर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, वही गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर नंबर 5, मैंने रास्ता ही बदल दिया। ये ऑटोबायोग्राफी है उसकी। जब पता है एक बार गिरे थे, कितना समय निकला था, लगा था निकलने में, स्थिति बनाने में, सब अमृत वेला नष्ट हो गया था, मुरली चिंतन खत्म हो गया था, सेवा में रुचि ही नहीं थी, उदासी सी छा गई थी। इसलिए चैप्टर नंबर 5 क्या है, उस रास्ते से जाओ ही नहीं। किसी विदेश की बहन ने हमसे एक बार प्रश्न पूछा था कि द्वापर से जो आत्माएं गिरी उसका कारण क्या है, और उत्तर उसने खुद ही दिया था, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा। क्या है ये काम, क्या है ये विकार, क्यूरियोसिटी। जिस रास्ते में जाना ही नहीं है, वहां का, जिस जगह जाना ही नहीं है उसका एड्रेस क्यों पूछना है। ये रास्ते विकारों की तरफ जाते, गड्ढे है वहां पर, गिरने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। अव्यक्त बाबा के महावाक्य है, कुमार कुमारी या बाबा से पूछते हैं, बाबा हम क्या करें, माँ बाप कहते हैं शादी करो, बाप कहते हैं, बाप की याद में यदि गला भी कट जाए तो ऊंच पद पाओगे पर विकार में नहीं जाना। करने तो जिसको जो करना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। गाय नहीं हो कि कोई भी बांध कर कहीं पर भी ले जाए, बकरी हो नहीं। खाई है विकार, खाई भी और काई भी है, काई में पिसल जाते हैं,
उसके बाद है सुनामी, अगला खतरा है सुनामी। कौन सी सुनामी? सप्रेस्ड डिजायर्स, दमित इच्छाएं और भावनाओं की सुनामी। जिसने अपने हृदय में कुछ छिपा के दबा के रखा है वो सुनामी की तरह एक दिन प्रकट होगा। जिसने कोई ऐसी इच्छा छिपा के रखी है कि ज्ञान में आने के बाद वो छिप गई, दब गई, कॉलेज में थे, इच्छाएं थी बहुत, और फिर अचानक ज्ञान मिल गया, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, पर वो इच्छा अभी भी है, छिपी हुई है, दबी हुई है, दमित है, रिप्रेस्ड डिजायर्स, और वो इच्छा ऐसी है कि अंदर ही अंदर धक्के देती रहती है। अगर उसको नहीं समझा, नहीं जाना, तो एक दिन डुबो देगी, सुनामी की तरह आएगी वो। रिप्रेस्ड डिजायर्स, अपने ही अंदर छिपी हुई इच्छाओं को देखना है, मन के किस कोने में कौन सी इच्छा छिपी हुई है। एक सन्यासी उपनिषदों में लिखा है, तपस्या कर रहा है जंगल में, सबने सुना होगा, कठोर तपस्या कर रहा है। एक कन्या, एक ऋषि कन्या उस तपस्वी को देख लेती है। एक बार उसको लगता है कि मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, परंतु उसे ये भी ध्यान है कि मुझे इसका ब्रह्मचर्य, इसकी तपस्या भंग नहीं करनी है। इसके लिए गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से वो कभी फल रख देती है, पर अपने आप को प्रकट नहीं करती। कभी फूल बिछा देती है, कभी फल, कभी पानी, जब वो नहीं रहता है। वो दिन भर जंगल में एकांत में तपस्या करता है, सुबह स्नान के लिए नदी पर जाता है, और वो फिर से छुप जाती है ये कन्या। पर दिखने में कुरूप है, दिखाया है वो तपस्वी की तपस्या बढ़ रही है, ऊपर इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। इंद्र एक ऐसा खेल करता है कि वो जो कुरूप कन्या होती है उसको रूपपति बना देता है, ताकि इस सन्यासी की तपस्या भंग हो जाए। परंतु वह सन्यासी तो अपनी लगन में मगन है, धीरे 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 उसकी तपस्या बढ़ती जा रही है, बहुत कठोर होती जा रही है। और एक बार जब वो तपस्या कर रहा होता, अचानक उसकी आंख खुलती है, देखता है वो कन्या सामने है, वो वहां जल रख रही है। वो उसे देखता है, आंख बंद कर लेता है, और वो वहां से चली जाती है। उस कन्या को बहुत दुख होता है कि उसने मुझे देख लिया, और वो सोचती है अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मुझे किसी की तपस्या भंग नहीं करनी है। परंतु उसे अंदर से थोड़ी खुशी भी होती है कि उसने मुझे देखा, तो उसे पता तो चला कि मैं हूं जो इतने महीनों से उसकी सेवा कर रही थी। फिर दिखाया है, वो तो चली गई, तपस्वी तपस्या कर रहा है, अन्न जल सब कुछ धीरे धीरे त्याग देता है। ऐसी घनघोर कठोर तपस्या, वो मिट्टी का ये बन जाता है ऊपर से पहाड़। इंद्र प्रकट होते, कहता है मैंने आज तक ऐसी तपस्या किसी को करते नहीं देखा, बोलो तुमको क्या चाहिए, क्या तुमको स्वर्ग चाहिए? वो सन्यासी कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है, फिर कर क्यों रहे थे इतनी तपस्या, मांगो तुम्हें जो मांगना है, क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। वो तपस्वी कहता है, वो युवा सन्यासी कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इंद्र कहता है फिर तुम्हें चाहिए क्या? वो तपस्वी कहता है वो कन्या कहाँ है? वासना बहुत सूक्ष्म है, छिपी है किसी कोने में मन के, उसे वहीं दबोच के बाहर निकालना है, नहीं तो वो सुनामी बन जाएगी। लौकिक में थे, इच्छा थी बहुत नाम मान शान हो जाए, फिर ब्रह्मा कुमारी में आ गए, नाम मान हुआ ही नहीं, परंतु अंदर से छिपी सी इच्छा है। इसलिए सेवा करके आते हैं, सेवाओं का समाचार सुनाने को कहा जाता है, वो सेवाओं का कम, मैं का समाचार ज्यादा होता है। क्योंकि अंदर छिपी हुई इच्छा थी वो प्रकट हो रही है। अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को देखना है, सप्रेस्ड एंड रिप्रेस्ड डिजायर्स विल कम आउट एज सुनामी वन डे, नहीं तो सुनामी का रूप धारण करके आएगी। उसके बाद अगला है रेगिस्तान, डेजर्ट, अकेलेपन का रेगिस्तान खतरा है।
अचानक ब्राह्मण जीवन में अकेला अकेला महसूस होता है। इतने कुमारों का हमको फोन आता है, कहते हैं कुमार कि हम क्या करें, अभी तो ठीक है पर आगे जाके हमारा कौन सहारा रहेगा, अभी से अकेलापन लगता है, क्या किया जाए। बाबा ने मुरलियों में कहा तुम्हें चतुर्भुज विष्णु बनना है, शायद वो समझ लेते यहीं पर बनना है और यहीं पर साथी ढूंढने लगते हैं। अकेलेपन एक रेगिस्तान है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, इस रेगिस्तान में दुखी हो जाती है आत्मा। क्यों अकेलापन आता है ब्राह्मण जीवन में, सब कुछ होते हुए, इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा सेवा केंद्र है, इतना बड़ा मधुबन है, दादिया है, ज्ञान है, सब कुछ है, परंतु फिर भी अंदर में अज्ञात सा अकेलापन है। ऐसा लगता है कोई चाहिए, कुछ मिल जाए। उपाय, शायद बाप को अपना अंतरंग साथी नहीं बनाया है। और एक दूसरी सूक्ष्म बात, ज्ञान को अपना साथी बना लेना है, ज्ञान चिंतन को अपना साथी बना लेना है तो अकेलापन नहीं आएगा। रोज की मुरली सामने है, उसके चिंतन में डूब जाओ, अकेलापन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अकेलापन है अर्थात ज्ञान की कमी, अकेलापन है अर्थात प्रभु प्रेम की कमी। अभी अभी मुरली चली, बाबा ने कहा मस्तक में चमकती हुई रेखाएं देख रहे, आंखों में रूहानियत देख रहे, हृदय में लवलीन अवस्था देख रहे, हाथों में खजाने देख रहे, होठों पर मधुर मुस्कान, रूहानी मुस्कान, अलौकिक मुस्कुराहट देख रहे, मुख में श्रेष्ठ वाणी देख रहे हैं बाप दादा, कदमों में हर कदम में पदम देख रहे हैं। सात बातें थी, क्या वो सब हम में है? शायद नहीं है, इसलिए तो अकेलापन है। इतना बड़ा सेंटर, परिवार, सब कुछ है, परंतु खालीपन क्यों है पता नहीं। ज्ञान को अभी छुआ ही नहीं है, केवल नोट किया है डायरियों में, बस स्क्रैच किया है बस ग्रैन को, अभी सरफेस को डूबे नहीं है अभी तक, इसलिए अकेलापन है। तो अकेलापन एक रेगिस्तान की तरह है, सावधान, आगे खतरा है। ज्ञान योग को अपना साथी बना लो। उसके बाद है अंधकार। कौन सा अंधकार? अहंकार का अंधकार। अभी अभी मुरली चली, बाबा ने काम दिया था लिस्ट बनाओ, किसकी? रॉयल मैपन की। किसकी लिस्ट बनाओ? रॉयल मैपन की। ये बड़ा सूक्ष्म है और लंबी लिस्ट है इसकी, तीव्र पुरुषार्थियों की दो निशानियां, एक वो देवता होंगे, दूसरा निर्माण और निर्माण। तीन खाते जमा करने, स्वपुरुषार्थ का खाता, पुण्य का खाता और तीसरा निस्वार्थ का खाता। मैपन नहीं, अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया। हमने किया क्या है? कुछ भी तो नहीं किया। या हमारे सामने दादी आए, उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनकी सेवाओं के आगे हमारी सेवाएं क्या है? कुछ भी नहीं। और फिर भी छोटी मोटी सेवाओं का इतना प्रोपोगंडा और इतना अहंकार। सेवाओं की आड़ में मैं का पोषण कर रहे हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरा बोलना अच्छा है, मेरा भाषण अच्छा है, मेरी सेवा अच्छी है, मैं इंचार्ज हूं, मैं निमित्त हूं। निमित्त का भी अहंकार, हम निमित्त है ऐसा बोलते भी निमित्त मात्र। अपने ही मैं की खोज करनी है, कहां ये मैं आ जाता है? थोड़ा सा किया कुछ, तुरंत मैं, थोड़ा सा कुछ किया, हमें स्तुति की कामना है, अपेक्षा है, प्रेज की, एप्रिसिएशन की, रिकॉग्निशन की। कोई पूछे ये भोजन किसने बनाया, हमने बनाया, तो खुशी होती है।
सुबह मुरली में था, अमानत, ये शरीर अमानत है, मेरा नहीं है कुछ भी। अंधकार, अहंकार, उसके बाद है भूकंप, अर्थक्वेक। कौन सा भूकंप? दिल टूट जाने का भूकंप। जैसे वहां दरार पड़ती है वैसे दिल में दरार पड़ती है, ऐसा भूकंप कि व्यक्ति दिल शिकस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई है। किसी से दिल लगा कर बैठे हैं, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना अधिक दुख, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस उतना कम दुख। ब्राह्मण जीवन में भी कई ऐसे हैं जिनका दिल टूटा हुआ है। क्यों? शायद कोई सेवा छीन ली गई है, शायद स्थान बदल दिया गया है, शायद मनपसंद सेवा थी वो अब नहीं मिल रही है, शायद स्थान, सेवा केंद्र, शायद वो व्यक्ति जो चाहिए था वो वहां से चला गया है, दिल टूटा हुआ है। शायद जिसके साथ लंबा समय रहे उसने शरीर छोड़ दिया, शायद किसी ने धोखा दे दिया, हार्ट फेल, हार्ट ब्रेक, ये भूकंप की तरह है। इसलिए अधिक से अधिक शेयरिंग केवल बाबा के साथ हो, बस। जितना व्यक्तियों से शेयर करेंगे उधर शेयरिंग अपने आप कम होते जाएगा। अपनी कहानी, दुख की, परिस्थिति की फोन पर किसी व्यक्ति को एक घंटा सुनाई, अब बाबा के सामने क्या सुनाएंगे? भूकंप की तरह है ये, इसलिए इससे बचना है। बार बार अपने आप को देखना है कि मैं जहां हूं वो कैसी अवस्था है। अच्छा लडोल, श्रेष्ठ, आत्माभिमानी, बाबा जैसा चाहते हैं वैसी है या कुछ और है? सच्चाई स्वीकार करो। हम संसार के लोगों से कहते हैं पहले ये मानो कि तुम्हारी दुर्गति हुई है तो सदगति का मार्ग हम दिखाएंगे। अगर सदगति चाहिए तो सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि मेरी दुर्गति हो गई है। और ब्राह्मण बनने के बाद, कई वर्ष ब्राह्मण जीवन में चलने के बाद यदि दुर्गति हुई है तो इसे भी स्वीकार करना है, ताकि इससे निकल तो सको, नहीं तो नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे नीचे जाते रहेंगे। जैसे किसी गेंद को, बॉल को सीढ़ी पर फेंक दो, क्या ऊपर आएगा वो? नो चांस, इट विल गो डाउन, नीचे 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 जाते जाएगा। स्थिति भी ऐसी है, नीचे जाने लगी तो नीचे ही जाएगी। अंतर्मुखी स्वीट साइलेंट की अवस्था में स्वयं को स्थित करो सुबह की अव्यक्त वाणी, और फिर चेक करो ये तीन भाषाएं हैं। उसके बाद है बाढ़, फ्लड, व्यर्थ और निगेटिव संकल्प की बाढ़। आगे नहीं जाना, खतरा है, सावधान। एक बार निगेटिव संकल्प चालू हो गया, उसके पीछे दूसरा निगेटिव, तीसरा निगेटिव, निगेटिव के पीछे निगेटिव। एक बार व्यर्थ चालू हो गया, रुकता नहीं वो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, मन जीत अर्थात व्यर्थ और विकल्प से मुक्त। जितना यहां मन जीत होंगे वहां उतना जगत जीत होंगे। मुरली नंबर 2, 8 तारीख की, दिसंबर मास 85। व्यर्थ का कारण क्या है मेरे जीवन में? कौन है? क्या कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई सेवा है, क्या है? कोई भाव है, कोई भावना है, कोई स्मृति है, कोई चिंता है? जैसे ही आती है व्यर्थ चालू हो जाता है। जैसे ही सुना तुम्हारे बारे में लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, व्यर्थ चालू हो जाता है। कौन है जो कहता है? किस किस का मुंह बंद करोगे? हमारी कोई निंदा कर रहा है, जैसे ही सुना क्रोध, आवेश। क्यों?
आज सुबह डबल विदेशियों का क्लास था, चर्चा थी, टॉपिक था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, आध्यात्मिक राही की प्रोग्रेस हो रही है कैसे समझे, बैरोमीटर क्या है, क्या मापदंड है जिससे पता चले कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, फ्रीडम कितना हुआ है अंदर, एक तरफ स्तुति एक तरफ निंदा, दोनों ही साक्षी होकर देख रहे, ये है प्रोग्रेस, फ्रीडम फ्रॉम डिजायर्स, इंटरनल डिजायर, एक तरफ विरोध क्रिटिसिज्म, दूसरी तरफ वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, तुम महान हो, ये दोनों ही अवस्थाओं में जो मुक्त है, और कितना मुक्त है वो डिफाइन करेगा कितनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है। एक बहन ने, विदेशी बहन ने हमसे कभी प्रश्न पूछा था, बहुत सीनियर बहन, शायद 40 साल से ज्ञान में, उससे भी ज्यादा, उन्होंने पूछा था तुम कौन हो, हु आर यू, और उन्होंने कहा कि मुझे वो उत्तर मत देना जो मैं जानती हूं, हु आर यू, ये अपने आप से पूछना है, मैं हूं कौन, क्या हूं, कहां हूं, सूचनाएं बहुत है, आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमधाम निवासी हूं, घर जाना है, बहुत सूचनाएं एकत्र कर ली है, इसे ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात विवेक, ज्ञान अर्थात परिवर्तन, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ज्ञान अर्थात समस्त आवेगों से परे अवस्था। तूफान है, तूफान व्यर्थ और निगेटिव का, देखना है कौन सी चीज है जो निगेटिव लाती है मन में, पॉजिटिव इमोशंस कैसे क्रिएट किए जाए इस निगेटिव परिस्थिति में। लास्ट दसवां पर्वत, गोवर्धन पर्वत, सावधान, आगे खतरा है, एक बहुत बड़ा पर्वत है, और वो पर्वत है इस तीव्र पुरुषार्थी जीवन में आने वाले सारे विघ्न। कौन से विघ्न है, अमृत वेला निर्विघ्न चल रहा है या उसमें विघ्न है, यदि अमृत वेला ही शक्तिशाली नहीं तो दिन शक्तिशाली कैसे हो सकता है, चाहे दिन भर कितनी भी सेवाएं कर लो स्थिति डगमग होती रहेगी, क्योंकि अमृत वेला फर्स्ट श्रीमत है वही मिस कर दी, बाबा के महावाक्य है अमृत वेला, एक घंटा कम उधर एक जन्म कम, यहां के घंटे वहां के जन्म, क्या कर रहे हैं हम अमृत वेला के साथ, क्या अमृत वेले में कोई विघ्न है, मुरली में कोई विघ्न है, चिंतन हो रहा है या बस संसार का चिंतन चल रहा है, बुद्धि उसी में डूबी रहती है, धंधा व्यवहार या केवल सेवा 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 बुद्धि में फिरती रहती है, योग है ही नहीं। ये ना भूले, सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जिन्होंने इसको फर्स्ट बनाया है और ज्ञान योग को छोड़ा है, सेवा ही उनके लिए बंधन और संस्कारों का टकराव का कारण बनेगी, सेवाओं के जंगल में तपस्या खोना चाहे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक सूक्ष्म अहंकार हमारे साथ चलता है कि हमने बहुत जान लिया, बहुत सेवाएं कर ली, बहुत कुछ कर लिया, फिर से बच्चा बन जाओ, सुबह की साकार मुरली, फिर से छोटा बच्चा बन जाओ, बाबा ने कहा इसे एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है, जो संसार का महाज्ञानी नहीं जानता है, कोई पंडित नहीं जानता है, वो तुम जानते हो, बस एक शब्द को जानने से बच्चा मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। जैसे एक कंपनी है कार की, कार तैयार है बनकर, ब्रांड न्यू कार अंदर ही बनी है बहुत बड़ी कंपनी में, अब कंपनी से कार को बाहर निकालना है, पर वो जो दरवाजा है
वो थोड़ा छोटा पड़ गया, वो जो ऊपर स्क्रैच होने की संभावना है। सब चिंतित हो गए, अब कैसे निकाले इतनी महंगी कार, आज तक ऐसी कार नहीं बनी है, इतनी नई, पर ये तो हमने सोचा ही नहीं। या क्या आप इस दीवार को, इस दरवाजे को तोड़ दे, क्योंकि कार को निकालना अर्थात स्क्रैच हो सकती है ऊपर से। सब लोग सोच रहे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वहां पर एक वॉचमैन खड़ा है, वो कहता है मैं कुछ बताऊं। वो कहते हैं ये क्या बताएगा, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो कहता है आई हैव वन सजेशन, कार की हवा निकाल दो। कार बाहर आएगी, इधर बहुत हवा भर के रखी है मैं की। उसको थोड़ा निकाल दो तो कार बाहर आएगी। तो ऐसे 10 बातें हमने देखी इस ब्राह्मण जीवन की। सबसे पहली आंख, प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए, कुमारियों से मुलाकात, अभी अभी साकार मुरली थी, गटर में नहीं जाएगी। दूसरा बारिश, ढूंढना है वो कौन सा संस्कार है, वो जा नहीं रहा है सब कुछ करने के बाद। तीसरा बिजली, कभी भी गिर सकती है, तैयार रहना है। चौथा खाई, एक बार गिर गए तो निकलना मुश्किल है, इसीलिए 5वां चैप्टर है उस मार्ग में जाओ ही नहीं, रास्ता ही बदल दो। 5वां सुनामी, देखना है वो कौन सी इच्छा है जो अभी भी दबी हुई है, उनको बाहर निकालना है, अमृत वेला देखना है, उसे योग की शक्ति से भस्म कर देना है, वो बीज में ही भस्म कर देना है, उसको देखना है वो इच्छा वहां है, मुझसे यक शक्तिशाली किरणें निकलकर उस बीज को ही भस्म कर रही है। अब वो अंकुरित कैसे होगा, जला दो बीज को। उसके बाद में रेगिस्तान, अकेलेपन का। उसके बाद में अंधकार, अहंकार का। उसके बाद में अर्थक्वेक, भूकंप। किसी से इतना ना दिल लगा के रखो, कोई भी हो सकता है, वो बहन भाई, सीनियर जूनियर साथी, बाहर वाला स्टूडेंट कोई, कि दिल ही टूट जाए। उसके बाद में फ्लड, बाढ़। किसकी बाढ़, व्यर्थ और निगेटिव की बाढ़। और फिर पर्वत, अर्थात इस पुरुषार्थी जीवन में कौन से विघ्न, अमृत वेला विघ्न आ रहे हैं, मुरली में विघ्न आ रहे हैं, दिन भर की दिनचर्या में कहाँ विघ्न है, कौन सा विघ्न है, मैं मेरेपन का कोई विघ्न है, नुआ शाम का योग क्यों नहीं हो रहा है। हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, वहां का भाई कह रहा था कि यहाँ की सेवा केंद्र 30 साल से निर्विघ्न है, मैंने कोई विघ्न देखा ही नहीं यहाँ पर, क्यों? हमने पूछा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर नियम है, अमृत वेला इतना पक्का है सबका, कोई भी मिस नहीं करता स्टूडेंट, और शाम को सबके सब नुमा शाम को के योग में जितने आ सकते हैं, कभी मिस नहीं किया। और वो खुद कहता था मैंने भी कभी मिस नहीं किया नुमा शाम का योग। अमृत वेला तो है ही शक्तिशाली, पर शाम का योग, जैसा अमृत वेला शक्तिशाली वैसा नुमा शाम भी शक्तिशाली हो जाए। योग ही कवच है ब्राह्मणों का, किला है। तो विघ्न कौन कौन से है, तो सावधान, अटेंशन। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सभी स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त। ब्राह्मणों की इस विशाल सभा में मैं एक
शक्तिशाली आत्मा हूं। वायुमंडल अव्यक्त एक अलौकिक मौन। मन शांत। एकाग्र। संपूर्ण अंतर्मुक्ता। शरीर, मन स्थिर। चेतना के अनंत सागर में मैं एक चैतन्य बूंद हूं। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान एक चैतन्य सत्ता। ऋषियों में राज ऋषि हूं, तपस्वियों में महातपस्वी। ब्रह्मचारियों में अखंड ब्रह्मचारी। निज स्वरूप को महसूस कर रहा हूं। देह के भव्य भाल पर मैं मुझे आत्मा से मेरी अपनी देह में शक्तियों की किरणें फैल रही। पवित्रता की रश्मियां एक एक कर्मेंद्रिय शांत। मैं मन जीत जगत जीत आत्मा। ये संसार, ये शरीर, इन सब से परे मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं आकाश में। फरिश्ता रूप है सूक्ष्म शरीर। देहभान से परे अवस्था
में प्रभु प्रेम। सूक्ष्म वतन स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बाबा मौन संवाद नैनों की भाषा भावनाओं की भाषा संकल्प की भाषा प्रभु प्रेम में डूबी हुई चेतना बाबा शक्तियों की अविरल धारा है अव्यक्त बाप दादा से मुझ में आ रही बाबा से वार्तालाप बाबा बाबा एक दृश्य दिखा रहे हैं मुझे ये अपना जीवन एक पर्दे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब से ब्राह्मण बना क्या क्या हुआ कौन सी माया कौन से विघ्न आए साक्षी होकर स्वयं को देख रहा हूं वाघ वो बारिश वो बिजली वो खाई वो सुनामी जो उठा वो सारी हलचल वो अकेलेपन का रेगिस्तान वो अहंकार का अंधकार वो भूकंप वो बाढ़ वो पर्वत सब कुछ दिखाई दे रहा और साथ साथ ये भी देख रहा कि हर समय बाबा तुमने कैसे मदद की कैसे तेरा प्यार सदा ही छत्र छाया रहे जागरण की अवस्था आई हुई परिस्थितियों से सबक सीख
हर चोट ने शक्तिशाली बनाया। हर माया जो जीवन में आई उससे एक पाठ पढ़ा। बाबा जो दृश्य तूने आज दिखाया ये देखकर मन में एक जागरण उत्पन्न हुआ है। एक सावधानी बाबा तेरा लाख लाख धन्यवाद इस पुरुषार्थी जीवन में एक तू ही सहारा है। जीवन का तू ही केंद्र है, तू ही एकमात्र संबल आधार। मन में सूक्ष्म प्रतिज्ञा है, नई सुबह जैसे हुई है, नया उमंग जैसे जागा है, नई समझ जैसे आई है, रूहानी बेहोशी से जैसे मुक्ति हुई है। बाबा मैं खो रही हूं तुम में, इसी मौन में बाबा से बातें करते हुए सूक्ष्म फरिश्ता रूप लिए सूक्ष्म वतन में अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना बस एक वो है और मैं हूं और कोई नहीं। उसका वरदान ही हाथ सिर पर है और कुछ नहीं, तुम ही सर्वस्व हो, तुम ही सर्वे सर्वा हो। बाबा मौन में सभी ट्रैफिक कंट्रोल तक योग चालू रखेंगे।